हेलो गाइस, वेलकम टू रेफ ऑफ माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि 12 नवंबर से एसबीआई क्लर्क का प्री स्टार्ट होने वाला है। क्या आप लोगों ने एग्जाम से पहले ये चीजों का एनालिसिस किया है कि कितना अटेम्प्ट करने के बाद आप आराम से घर में आके मेंस का तैयारी कर सकते हो। दूसरा, जैसे इस साल में आदर्श क्लर्कल एग्जाम का कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिला है, क्या एसबीआई क्लर्क का भी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। तीसरा, कि कुछ कुछ स्टेट का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 80 प्लस था, क्या इस बार भी वो स्टेट का कट ऑफ 80 प्लस होने वाला है या बिलो 80 होगा या 90 अबव होगा। अगर आप लोगों ने ये चीजों का एनालिसिस नहीं किया तो डरिए मत, मैं वो चीजों का एनालिसिस लेके आया हूं। तो वीडियो का एंड तक बनी रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि 12 नवंबर से एसबीआई क्लर्क का प्री स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं इस साल का आदर्श एग्जाम का बात बोलूं, जैसे आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, उन एग्जाम का लेवल जो था एस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, जिसके कारण कटऑफ भी थोड़ा हाई हुआ। एंड दूसरा भी रीजन था कि कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो डे बाई डे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका यह भी एक रीजन था जिसके लिए आईबीपीएस क्लर्क हो या आरआरबी क्लर्क हो, दोनों का प्री का जो कटऑफ था बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी है इस बार का एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर मोर और लेस सेम है। कुछ स्टेट का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, कुछ स्टेट का थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन उतना वेरिएशन नहीं है। एंड दूसरा चीज, एसबीआई क्लर्क बच्चों का मोस्ट अवेटेड एग्जाम होता है, जहां पे कंपटीशन लेवल में कहीं भी कमी नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि हर कोई बच्चा एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई करता है। आप लोगों से सवाल आएगा तो सर क्या होगा, कट ऑफ क्या हाई जाएगा, तो लेवल कैसा होगा, क्या सेम रहेगा? तो यही चीजों का पार्ट बाय पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा एग्जाम लेवल के बारे में, ठीक है। अगर मैं अभी आरआरबी क्लर्क के बात बोलता हूं, देखिए आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है वहां पे मैक्सिमम बच्चे 80 आउट ऑफ 80 टच करते हैं, एंड बहुत बच्चे को 80 आउट ऑफ 80 मिलता भी है। और तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कुछ कुछ स्टेट का कट ऑफ 79 to 80 भी रहता है। इसका मीनिंग यह है कि जो आरआरबी का जो क्लर्कल एग्जाम होता है उसका प्री का जो लेवल होता है बहुत ही इजी होता है, ठीक है, फर्स्ट बात। दूसरा, आईबीपीएस क्लर्क का, अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क का बात बोलूं तो आईबीपीएस क्लर्क में भी अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है देन आप आराम से 90 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत बच्चे अटेम्प्ट किए भी हैं एंड बहुत बच्चों को मार्क्स 85 प्लस 90 प्लस मिला भी है, लेकिन एसबीआई का खुद का एक स्टैंडर्ड होता है। ऐसा आपको बहुत कमती ही मिलेंगे जो बोलेंगे कि एसबीआई क्लर्क में मैंने 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एक खुद का ही एक स्टैंडर्ड होता है क्लर्कल एग्जाम में। तो इसलिए अगर मैं बोलूं, फर्स्ट कुछ कुछ स्टेट है जिस स्टेट का कट ऑफ अप टू 70 तक था, कुछ कुछ स्टेट का कट ऑफ था 80 अप टू 80 तक था, एंड कुछ कुछ स्टेट का कट ऑफ था जो लास्ट ईयर 80 प्लस था। तो इस केस में क्या, देखिए 80 प्लस, अभी 80 प्लस कौन कौन सा स्टेट का था, देखिए यूपी का, उड़ीसा का, एमपी का, दिल्ली का, हिमाचल का, ये स्टेट का कट ऑफ 80 प्लस था। एंड बाय डिफॉल्ट ये स्टेट का जो कंपटीशन लेवल होता है और एस कंपेयर टू द अदर स्टेट कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ही होता है। एंड अगर मैं इस साल का ये स्टेट का वैकेंसी का बात बोलूं तो कुछ अप्स एंड डाउन से तो उतना वेरिएशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल अगर बोलूं हर स्टेट में ही कंपटीशन लेवल इंक्रीज होने का चांसेस होता है, ये घटने का चांसेस बहुत ही रेयर है, स्पेशली एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ में, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आया। लेकिन यहां पे एक बात है कि एक हद के बाद बच्चों का अटेम्प्ट भी तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में अगर आप 90 प्लस अटेम्प्ट करते हो That means एक अच्छा अटेम्प्ट है। बहुत बच्चा 85 तक अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन 90 प्लस बहुत ही कम बच्चा अटेम्प्ट होता है। अगर आप लास्ट 5 to 6 ईयर का एसबीआई क्लर्क का पेपर देखोगे तो पेपर एक स्टैंडर्ड का था, बहुत ही कम बच्चा था जो 90 प्लस अटेम्प्ट किया विथ ए गुड एक्यूरेसी। तो अगर देखिए इस केस में क्या होता है ना कि पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होता है, तो जहां पे मुश्किल ही होता है तो वो चीज उतना ज्यादा कैसे जाना पॉसिबल है। तो इस केस में अगर मैं यही बोलूंगा, अगर आप वैसा स्टेट से बिलोंग करते हो, इन दैट केस आप ट्राई कीजिएगा कि आप 85 आउट ऑफ 90 अटेम्प्ट करके आए विथ ए गुड एक्यूरेसी। एंड इसके लिए मैंने क्वांट का किस तरह आप क्वांट में 30 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो
मैं उसके भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, एंड किस तरह आप रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर सकते हो इसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी यार गया देखिए, जो स्टेट का कट ऑफ अप टू 80 तक था, उस स्टेट का क्या होने वाला है, उस स्टेट में अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग का अटेम्प्ट क्या होगा। देखिए मैं यही बोलूंगा कि आप अगर इस स्टेट से भी बिलोंग करते हो तभी भी आप ट्राई कीजिएगा कि आपका अटेम्प्ट 85 आउट ऑफ 90 रहे, अप टू फ्रॉम 85 टू 90 रहे, या अगर आप एससी एससी से बिलोंग करते हो देन आप लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि अप टू 80 प्लस आपका अटेम्प्ट रहे। क्योंकि देखिए अगर मैं कंपटीशन का बात बोलूं, कंपटीशन घटने का चांसेस बहुत ही कम है, ये आप ना के बराबर मान सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एंड अगर आप ये स्टेट है अप टू 70, देखिए अप टू 70 कौन सा स्टेट है, अंडमान है, अरुणाचल है, आसाम है, तो ये झारखंड है, तो इस स्टेट का केस में क्या है कि लास्ट ईयर का कटऑफ अप टू 70 था, या तो उस स्टेट का इस बार वैकेंसी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हुआ है, इसके लिए कटऑफ हाई देखने को मिल सकता है। दूसरा बात, इस बार अगर वैकेंसी भी अगर मोर लेस सेम ही है तो दूसरे स्टेट के बच्चे वो स्टेट से अप्लाई करके क्या करेंगे, कटऑफ को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, अगर आपका स्टेट का कटऑफ प्रीवियस ईयर अप टू 70 तक था तो यही बोलूंगा कि मिनिमम आप 10 मार्क्स ज्यादा लाने का कोशिश कीजिए। ये मैंने स्टेट वाइज बोला, लेकिन अगर मैं घुमा के मेन बात बोलूं, आप अगर कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 टू 85 अटेम्प्ट करके आने का, आप लोग टारगेट मेरे हिसाब से रखना चाहिए विद ए गुड एक्यूरेसी। ठीक है, विद ए गुड एक्यूरेसी, ताकि आप प्री के बाद यह पूछने का जरूरत ना हो कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेरा मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूं या ना करूं, मैं क्या करूं, तो ये चीजों का आपको पूछने का जरूरत ना हो, आप आराम से जाइए प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन जो स्टेट का कट ऑफ ऑलरेडी 80 प्लस था एंड उनका अगर वैकेंसी मोर और लेस सेम ही है तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग 85 टू 90 अटेम्प्ट का तैयारी कीजिए, ताकि मेंस प्री के बाद आप लोगों को यह सोचना ना पड़े क्या करें या क्या ना करें। ठीक है, तो देखिए आज के लिए यही था कि आप लोगों को कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह आप लोगों का माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास मोर देन 2 वीक्स है, कुछ कुछ बच्चे का 1 वीक से ज्यादा है, लेकिन तो अभी आप लोग जो मॉक देंगे दिस 1 वीक या 2 वीक में, उसमें आप लोग का ये माइंडसेट रख के अपेयर कीजिए, ताकि आप लोग उस लेवल का आप लोग प्रिपरेशन ले जा पाओ लास्ट कुछ दिनों में। ठीक है, अभी बहुत बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि सर लेवल, आप तो लेवल बिना ही देखे आप लोग एज्यूम करने लगे। देखिए अगर आप अदर्स क्लरिकल एग्जाम के बाद मैं बोलता हूं दिस ईयर का, तो उनका लेवल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिला, लेकिन मैं एसबीआई का केस में ये कभी भी एज्यूम नहीं करूंगा कि एसबीआई का जो लेवल है वो डाउन होकर होने का चांसेस है, और ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि अप होने का चांसेस है। मैं ये बोल रहा हूं अगर एस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर लेवल थोड़ा अप्स एंड डाउन है तो उस केस में आप लोग ये आराम से लेके चल सकते हो, क्योंकि डाउन मेरे हिसाब से एसबीआई का जो एक लेवल है उससे वो डाउन नहीं होता है, उनका एक बेंचमार्क है, उससे बिलो आने का चांसेस बहुत ही कमती रहता है। ठीक है, तो उससे अप भी नहीं होगा, क्योंकि उससे अप होगा तो ये ज्यादा ही टफ हो जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों का माइंडसेट में यही रखिए 80 प्लस या 85 प्लस, 80 प्लस या 85 प्लस हमें अटेम्प्ट करके आना है विद अ गुड एक्यूरेसी, एंड जो बच्चों का ऑलरेडी 80 प्लस स्टेट से ही बिलोंग करते हैं उनका भी यही टारगेट रखिए कि अप टू 90 तक तो हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये डिटेल समझ में आ गया होगा, अगर इसके बारे में और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।